हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल मैसंस के ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का कुछ इंट्रो दिया था, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारे पास टू बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड इज द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के बिहाव पे और टर्म्स के बिहाव पे पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बेसिस ऑफ डिग्री के बिहाव पे बात करें तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आएगा आपका क्वाड्रेटिक। थर्ड आएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद एक और आता है जिसे हम बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें अभी सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन जहां पे इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यानी कि डिग्री वन होगी अगर आप एक तरीके से कहें तो। पॉलिनोमियल की जो गिवन इक्वेशन है वहां पे अगर हमारे वेरिएबल की पावर क्या है, वन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, वन है, तो डिग्री क्या होगी हमारी, वन होगी, तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, टू। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, इट मीन्स इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू, इट मीन्स इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज थ्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज थ्री, इट इज कॉल्ड, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे बेसिस ऑफ डिग्री पे। अब बात करेंगे बेसिस ऑफ टर्म्स पे। इसके बाद जैसे हम बोलते हैं इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन में पावर फोर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा बाइक्वाड्रेटिक कहलाता है या क्वाड्रेटिक कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने को नहीं मिलता, आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिस ऑफ टर्म्स पे बात करें तो यहाँ पे भी आपके थ्री टाइप्स के होंगे। पहला होगा आपका मोनोमियल, सेकंड होगा आपका बाइनोमियल, थर्ड होगा आपका ट्राइनोमियल। अब देखिए ये हैं टर्म्स के बिहाव पे डिग्री यानी कि पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड टर्म्स के बिहाव पे बात करें तो टर्म्स के बाद मोनोमियल, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही टर्म होगा आपका ए एक्स वाई, ना इसके बीच में कोई कॉमा है, ना इसके बीच में कोई सिंबल है, साइन है, तो ये क्या है, एक सिंगल है, तो इस मीन्स ये क्या है, मोनोमियल, जिसके में क्या होता है, केवल एक सिंगल टर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल जैसे आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इसके बीच में प्लस आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें टू टर्म्स हो गए, ये तो क्या हो गया, ये बाइनोमियल। ट्राइनोमियल आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, जिसमें आपके कितने टर्म्स होते हैं, थ्री। ये प्लस क्या बता रहे हैं, टर्म्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर क्या है, एक टर्म है, प्लस लग गया बी एक्स क्या हो, दो टर्म्स में डिवाइड हो गया, प्लस लग गया सी आ गया तो तीन टर्म्स में, तो जिसमें केवल एक टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसमें केवल दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल, ठीक है, और इसके आगे अगर टर्म्स हैं तो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है। इसके आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी जो वीडियो हैं इस चैनल से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मैथ्स से रिलेटेड, आप उन्हें हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। थैंक यू।